हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूब्स, नली यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक हैं तो आप किस तरीके से इसे डील कर सकते हैं और प्रेगनेंसी को ला सकते हैं। तो अगर हमें इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो बेसिकली हमें इसे तीन भाग में बांटना पड़ेगा, और उन तीन सवालों का अगर हम जवाब लेते चले जाते हैं तो ब्लॉक्ड ट्यूब्स के साथ में प्रेगनेंसी किस तरीके से लाई जाए ये समझना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल है ये जानना कि हमें किस तरीके से पता चला है कि हमारी जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, नली है, वो ब्लॉक है। इसका पता क्या हमें एक्सरे, जिसे हम बोलते हैं एचएसजी, या फिर लेप्रोस्कोपी, जिसे हम बोलते हैं दूरबीन जांच, उसमें पता चला है। अगर आपको एचएसजी के दौरान ये पता चला है कि आपकी एक या दो नली ब्लॉक है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, एकदम पैनिक सिचुएशन में मत आइए, क्योंकि बहुत केसेस में, लगभग 40-60% केसेस में एचएसजी में फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आ सकती हैं, यानी कि ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है फिर भी एचएसजी में ट्यूब्स ब्लॉकेज दिखाई देती हैं, या कई बार हल्के फुल्के ब्लॉकेज होते हैं जिन्हें इजिली बाद में ठीक किया जा सकता है और वो एचएसजी में पता नहीं चलता है। तो अगर आपको अपने ट्यूब्स ब्लॉकेज का पता एचएसजी के दौरान चलता है तो अपने डॉक्टर से खुल के बात करिए। अगर बाकी के पैरामीटर्स ठीक हैं तो हो सकता है आपके डॉक्टर इसके बाद आपको लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी, जो कि एक तरीके की दूरबीन जांच होती है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसमें ये पता चलता है कि वाकई में ट्यूब्स का ब्लॉकेज है या नहीं, और अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं वो खोली जा सकती हैं तो इसी इंटरवेंशन के दौरान उसे खोला भी जा सकता है। तो एचएसजी के बाद ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, और इसके बाद फिर हम किसी कॉन्क्लूजन पे पहुंच करके आगे का डिसीजन ले सकते हैं। लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी का डिसीजन लेते टाइम, या कभी अगर आप लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी को एक प्राइमरी टेस्ट के जैसे लेकर के अपने ट्यूब्स का चेकअप कराते हैं, एचएसजी ना करा करके सीधा लेप्रोस्कोपी में जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ उस इंस्टीट्यूट में आपको ये टेस्ट कराना चाहिए जहां पे इंटरवेंशन यानी कि इलाज भी मुमकिन हो। अगर लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी के दौरान पता चलता है कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं और इसे किसी इंटरवेंशन के जरिए खोला जा सकता है तो वो इंटरवेंशन ज्यादातर केसेस में उसी समय करी जाती है। लेकिन हाँ, कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें ट्यूब्स को खोलना मुमकिन नहीं होता है या उस समय खोलना ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है आपके डॉक्टर उस प्रोसीजर को आगे के लिए पोस्टपोन करें या आपको ये सलाह दे कि ये ट्यूब्स परमानेंटली ब्लॉक है, इसे नहीं खोला जा सकता है। तो लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी से मिली हुई जानकारी एक गोल्ड स्टैंडर्ड जानकारी होती है, तो इस पर हम कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। एचएसजी में अगर ट्यूब्स का ब्लॉक पता चलता है तो वो हो सकता है ना भी हो या एक साधारण तरीके का ब्लॉक हो जिसे दूरबीन जांच के द्वारा आसानी से खोला जा सकता है, तो इसलिए इसमें पैनिक ना करें। दूसरा सवाल उठता है कि क्या हमारी एक नली या दोनों नली ब्लॉक है। हमें ये पता है कि फेलोपियन ट्यूब्स का काम होता है अंडाक्षय से जब अंडा रिलीज होता है उस अंडे को उठाना, स्पर्म से मिलाना, गर्भ बनाना और उस गर्भ को बच्चेदानी तक पहुंचाना। हर महीने जैसे कभी राइट ओवरी से या कभी लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होता है, तो जिस तरफ की ओवरी से एग रिलीज हो रहा है हमें केवल उस तरफ की ट्यूब के फंक्शन की ही जरूरत है। तो अगर हमारी एक ट्यूब ब्लॉक है तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक ट्यूब के भरोसे भी नेचुरल प्रेगनेंसी या साधारण इलाज के जरिए प्रेगनेंसी लाई जा सकती है, बशर्ते आपके बाकी के पैरामीटर्स नॉर्मल हो, क्योंकि प्रेगनेंसी रुकने के लिए एक बारी में एक ही ट्यूब फंक्शन करती है, दोनों ट्यूब्स का एक साथ में काम करना जरूरी नहीं होता है। तो अगर एक ट्यूब सही है, एक ट्यूब ब्लॉक है, तब भी नेचुरल तरीके से साधारण दवाइयों से या साधारण प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं IUI के जरिए प्रेगनेंसी ठहराई जा सकती है। आपके लिए इनमें से कौन सा ठीक रहेगा ये डिसीजन आपके डॉक्टर्स जो है आपके बाकी की रिपोर्ट्स देख करके, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स देख करके तय करेंगे। लेकिन अगर दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक हैं, वो खोली नहीं जा सकती हैं, तब ऐसी सिचुएशन में आपको साधारण इलाज में टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी केवल एक ही तरीके से ठहराई जा सकती है जिसे हम बोलते हैं IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दूंगी, आप अगर मेडिसिन में या किसी और ट्रीटमेंट में जा रहे हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आगे किए जाने वाला इलाज जो कि सिर्फ और सिर्फ IVF है उसके चांसेस भी घटाएंगे। तो अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, टेंशन मत लीजिए, एक डेड एंड रोड है, सिंगल रोड है, आपको IVF का डिसीजन जितना जल्दी हो सके ले लेना चाहिए। थर्ड सवाल उठता है कि अगर हमारी एक ट्यूब ओपन और एक ट्यूब ब्लॉक है,
या फिर हमारी ट्यूब ब्लॉक थी, हमने लेप्रोस्कोपी के जरिए उसे खुलवाया है, या लेप्रोस्कोपी के बाद ट्यूब का फंक्शन थोड़ा सा डाउटफुल लगा और आपके डॉक्टर्स ने कुछ समय तक दवा देकर के नेचुरल ट्राई करने के लिए बोला है, तो आखिर हम कब तक वेट करें, कब हम ये तय करें कि हमारे जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, सिंपल ट्रीटमेंट्स है, वो काम नहीं कर रहे हैं और हमें IVF में कब जाना चाहिए। तो ऐसे अगर कोई भी सिचुएशन में आप हैं तो 6 मंथ से लेकर के मैक्सिमम 2 इयर्स का टाइम आपके डॉक्टर आपको वेट टाइम के जैसे दे सकते हैं। मतलब कि इस दौरान अगर साधारण तरीके से या नेचुरली आपको बच्चा रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुकता है तो ये वो समय है जब हमें IVF की तरफ मुड़ जाना चाहिए। अब ये समय 6 महीने होगा, साल, 1.5 साल या 2 साल, वो प्राइमरली डिपेंड करता है 2 बातों पे। सबसे पहले तो हमारे पास क्या कहीं और कोई ऐसा नेगेटिव फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आ सकती है, और सेकेंड ओवेरियन रिजर्व्स कितने हैं, यानी कि ओवरी में एग बनाने की कैपेसिटी क्या है, वो डिपेंड करेगा कि फीमेल पार्टनर की एज कितनी है और हमारी जो एग बनाने की कैपेसिटी है उसके लिए जो ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं यानी कि AMH, उसकी वैल्यू कितनी है। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके डॉक्टर्स आपका वेट टाइम डिसाइड कर सकते हैं, और अगर ये वेट टाइम ओवर हो गया है, इस दौरान हमें फायदा नहीं मिला है, तो IVF में प्लीज जाने के लिए आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए, क्योंकि जितना टाइमली हम लोग डिसीजंस लेते हैं उतना सक्सेस रेट अच्छा रहता है। इसके अलावा भी अगर फेलोपियन ट्यूब संबंधित आपके कोई सवाल है तो प्लीज हमें इस लिंक में जरूर कमेंट करिएगा, हम टाइम टू टाइम उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।